नमस्कार, स्पोर्ट्स इंडिया चैनल पर मैं कमेंटेटर प्रेम कुमार, अपने साथ में बीरू सुल्तानपुरी। बीरू भाई हमारे सुल्तानपुर से आए हैं, इस समय हमारे साथ में कमेंट्री कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं केपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट, रंग बिरंगे झंडे से सजा हुआ हमारा ये टूर्नामेंट। और देखिए स्टेडियम पर भी किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया स्टेडियम आप देख रहे हैं। ये कौशाम्बी प्रीमियर लीग जो चल रहा है इस समय आप देख रहे हैं, हमारे साथ लगातार आप बने रहे हैं पिछले 5 दिनों से। और इस तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ स्टेडियम। और आपको और थोड़ा से आगे लेके आते हैं, ये ट्रॉफियां आप देख रहे हैं। ये जो ट्रॉफियां हैं इस समय विनिंग, ये विनिंग टीम की ट्रॉफी जो हमारे ठीक कैमरे में कैद हो रहा है, ये विनिंग टीम की ट्रॉफी है। केपीएल T10 बिग बैश लीग का ये मुकाबला चल रहा है, केपीएल T10 बिग बैश लीग। और यहाँ पे आप देखें विजेता टीम की ट्रॉफी है। और जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन होता है आप देख रहे हैं, केपीएल T10 बिग बैश क्रिकेट मीडिया खेल महोत्सव के तहत में ये रनर अप ट्रॉफी है, ये विनर अप ट्रॉफी है। और यहाँ से प्रेजेंटेशन होता है। और ये बहुत सारी ट्रॉफियाँ इस समय यहाँ पे लगाई गई हैं, विजेता उपविजेता के अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और तमाम हमारे जो अतिथि आते हैं। रोज़ाना इतनी ही ट्रॉफियाँ आती हैं और रोज़ाना जितने भी अतिथि आते हैं या जितने भी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग सभी को ये ट्रॉफियाँ प्रदान की दी जाती हैं। इस तरह की रोज़ाना ट्रॉफियाँ। कौशाम्बी खेल महोत्सव चल रहा है, एक प्रकार से कौशाम्बी का ये जिला स्टेडियम है, हरे भरे पूरी ग्रीन ग्रास वाला स्टेडियम। और एक बार फिर से हम आपको अपने बीरू साहब के साथ में लगातार बने रहेंगे। और यहाँ पे 4-4, 5-5 कैमरों के जरिए ये लाइव टेलीकास्ट कराया जाता है। तमाम ये हरे रंग बिरंगे झंडे जो आपको दिख रहे हैं, लाल पीले नीले भगवा कलर के, ये सब झंडे जितनी टीमें पार्टिसिपेट करी हैं सभी टीमों के ये झंडे हैं। जी नमस्कार, एक बार फिर से स्पोर्ट्स इंडिया पर मैं कमेंटेटर प्रेम कुमार, अपने साथ सुल्तानपुर से चलकर आए हुए हमारे जूनियर भाई बीरू भाई साहब का इस समय हम स्वागत करते हैं। और भैया आप महेश पटेल, इंडिया न्यूज से हमारे महेश पटेल जी हैं। और ये हमारा 12वां संस्करण चल रहा है, 12th एडिशन है हमारे कौशाम्बी प्रीमियर लीग का 11 संस्करण, हालांकि डाइट ग्राउंड पे चले और इस बार स्टेडियम में चल रहे हैं, कौशाम्बी जिला स्टेडियम में। और ये हमारा इतना बेहतर इस टूर्नामेंट का एक प्रकार से सर्वे सर्वा ही कहा जा सकता है। कोई भी कार्य हो तो डॉक्टर साहब हमें इन्हें ही नियुक्त करते हैं कि भैया ये करिए, वो काम करिए। बहुत ही तेज, एक प्रकार से वर्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन तेज काम करने वाला हमारा ये भाई शहरोज साहब हमारे साथ में बने हैं। जी बीरू साहब हमारे सुल्तानपुर से आए हैं, बहुत ही बेहतर कमेंटेटर हैं और इस समय हमारे साथ हैं। जी बीरू साहब, इस टूर्नामेंट के बारे में। सर थैंक यू आपका प्रेम प्रकाश जी, बहुत मुझे गर्व की बात, फख्र की बात, आप जैसी पर्सनालिटी के साथ मुझे कमेंट्री करने का अवसर मिला है। और आप तो अंतर्राष्ट्रीय कमेंट्री पैनल में संजय बनर्जी, इफ्तिखार अहमद और सुनील जोशी और विनीत गर्ग जैसे पर्सनालिटी के साथ कमेंट्री की है। आपका कोई सानी कोई जवाब नहीं, आप जैसा बेहतर कमेंटेटर मैंने देखा नहीं है। मुझे सीखने का एक अवसर मिला, आप जैसे लोग पर्सनालिटी के साथ में कमेंट्री करते, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आपका छाया प्रकाश मेरे ऊपर बना रहेगा तो मैं भी कमेंट्री पैनल में थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करें तो कौशाम्बी की पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है और पूरी तरह से स्टेडियम सज धज संवर के बिल्कुल से नई नमीली दुल्हन की तरह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और एक बड़ा ओकेजन है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल पैमाने पर जो तैयारी होती है, सारा डेकोरेशन सिस्टम देख सकते हैं, एलईडी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई मामला पेचीदा होता, थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता तो यहाँ पर तुरंत तत्काल आपको उस चीज के लिए यहाँ पर थर्ड अंपायर से फैसला भी आ जाता है। पूरी तरह से कैमरे की पैनी निगाहों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होता है वो सब कुछ यहाँ पर देखने वाली बात है। और ऐसा ग्राउंड अभी तक मुझे कहीं मिला नहीं कमेंट्री करते हुए, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। इतने बड़े ओकेजन में मुझे टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का अवसर मिला है, आप जैसी पर्सनालिटी के साथ मुझे कमेंट्री करने का अवसर मिला है। मैं स्पोर्ट्स इंडिया की तरफ से मैं आपका स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। और बहुत ही अच्छा लगा भाई प्रेम जी आपके साथ में, तो बिल्कुल से मैं खुशी के आलम में डूबा हुआ हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज साथ में लगातार कंटिन्यू इसी प्रकार से मैं जुड़ा रहूंगा। थैंक यू। ये हमारे कमेंटेटर बीरू भाई खुद गा रहे हैं।